हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित और आप देख रहे हैं सुमित ड्राइंग बुक। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है और आपने आज तक इतना ढेर सारा प्यार दिया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज तक हम यहाँ पे पहुँच पाए। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने कुछ नए मटेरियल्स जो हमने बाय किए हैं मार्केट से। तो मैंने जो कुछ नए आर्ट्स मटेरियल अभी लाए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो फर्स्ट नंबर हमने जो आर्ट मटेरियल लाया है वो है A4 ड्राइंग शीट। हमने लाया A4 ड्राइंग शीट जो कि कार्ट्रिज पेपर इसे कहते हैं, और ये 20 पेपर्स की शीट है, 140 GSM A4 शीट्स, और एक लगभग कुछ आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगी 85 रुपीज़ की। और दूसरी एक चीज़ हमने जो बाय की है क्योंकि हमारे आर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके सिवा शायद आर्ट बने ना, तो वो है कैमलिन की कुछ ग्रेफाइट पेंसिल्स जिसके अंदर HB2 HB B जो भी पेंसिल्स आती है ना, लाइटर शेड्स डार्कर शेड्स के अंदर, वो हमने बाय की है। ये लगभग आपको मार्केट के अंदर अगर आपको लेना है तो मिल जाएगा लगभग 60 रुपीज़ के अंदर कैमलिन की। तो थर्ड थिंग वी बाय इज अ चारकोल पेंसिल्स जो कि हमारे स्केचेस के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर डार्कर शेड्स हमें जहाँ पे चाहिए, लाइक हम इसके अंदर जो हेयर्स है हेयर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, आईब्रोज हो गए, आई लैशेज हो गए, उसके अंदर जो अपने बाल हो गए, इसके अंदर इस ग्राफाइट पेंसिल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और डार्कर शेड्स ये बहुत अच्छी तरीके से ग्लो होती है। सो चारकोल पेंसिल इज मस्ट। तो हमने बाय की ये चारकोल पेंसिल, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक शॉर्पनर भी हमें फ्री मिला है, और ये 3 पेंसिल का सेट है, और ये लगभग हमें गिरा है लगभग 150 से 160 समथिंग अराउंड यहाँ पे इसकी प्राइसिंग है। तो व्हाइट चारकोल पेंसिल जो है हमें शेड्स जहाँ पे हाइलाइट्स होती है पार्ट्स, जैसे कि जहाँ पे उजाला जा रहा है, सपोज ये मेरा आप फेस देख रहे होंगे, यहाँ से डार्कर शेड्स है, यहाँ पे व्हाइट शेड्स है, तो इस साइड में हमें जो शेड्स करने के लिए यहाँ पे हम चारकोल व्हाइट चारकोल का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर ड्रॉइंग्स हमें बहुत ही उभर के आएंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेंगी। सो द फोर्थ थिंग वी बाय इज अ व्हाइट चारकोल पेंसिल। और इसके बाद में और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमने बाई की है वो है द ब्लेंडिंग स्टम्प्स। द ब्लेंडिंग स्टम्प्स मीन्स जो कि हम ब्लेंडिंग्स करते हैं स्केचिंग के अंदर, मैं दिखा दूँ आपको कि यह है ब्लेंडिंग स्टम्प्स जो हमें ब्लेंडिंग करने में बहुत ही आसान जाएगा इसके थ्रू। पहले मैं जो स्केचेस के अंदर ब्लेंडिंग करता था कि वो कॉटन से घिस घिस के ब्लेंडिंग करते थे या फिर उंगली से ही कर दिया है ना, तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन अभी हमने एक प्रोफेशनल टूल किट की बाय की है जो है ब्लेंडिंग स्टम्प, इसके थ्रू हम अभी ब्लेंडिंग किया करेंगे। तो ये हो गए हमारे 5 थिंग। और एक भी चीज़ है जो हमने बाय की है वो है एक इरेजर जो कि बहुत मस्ट है, ये लाइक अ क्ले इरेजर होता है जिसे हम किस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट थिंग इज बाय इज द, अभी हमने आज तक सिर्फ स्केचेस ड्रॉ किए हैं, लेकिन अगले जो हम स्केचेस ड्रॉ करने वाले हैं इसके अंदर हम कलर पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने स्टेपलर का एक सेट बाय किया है जो कि लगभग आपको मिलता है मार्केट के अंदर 900 to 1000। अगर आप होलसेल से लेते हो तो आपको वहाँ पे रेट कम भी दिखने को मिल जाएंगे, लगभग 800 के आसपास में अराउंड आपको मिल जाएंगे। सो ये है स्टेपलर लूना के 24 वाटर कलर पेंसिल्स हमने बाय किया। इसके अंदर आपको अलग अलग सेट मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको 12 पीसेस वाला भी मिलेगा, 24 वाला भी मिलेगा, 48 वाला भी मिलेगा, और इसके अंदर एक 72 या कोई समथिंग अराउंड उसके करीब भी आता है। तो यहाँ पे हमने बाय किया है 24 सेट्स का वाटर कलर पेंसिल्स। सो इसका यूज़ करते हुए भी आगे हम ड्राइंग बनाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। और ये थी हमारी सारी की सारी नए ड्राइंग्स मटेरियल्स, और इसके थ्रू हम आगे ड्राइंग बनाने वाले हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल पे एक्टिव रहिए, हमारे ड्राइंग्स देखते रहिए ताकि आपको भी इनसे भरपूर सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, आपको भी अगर ये आर्ट मटेरियल बाय करना हो तो मैं रहता हूँ अमरावती शहर के अंदर, और अमरावती शहर के अंदर अगर आपको ये आर्ट मटेरियल बाय करना हो तो आप जा सकते हो जैसम चौक के अंदर, प्रिया टॉकीज के बैक साइड के अंदर, यहाँ पे एक गुलशन टावर करके, गुलशन टावर के अंदर आदित्य आर्ट्स एंड मटेरियल्स की शॉप है, यहाँ पे मैं एड्रेस दे दूंगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे होलसेल दुकान है, वहाँ पे आपको आर्ट्स की रिलेटेड सारी की सारी मटेरियल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, A to Z चीज़ें। मैंने आज तक यानी अमरावती के अंदर ऐसी कोई शॉप नहीं देखी जहाँ पे सिर्फ आर्ट्स मटेरियल मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी A to Z। तो आपको अगर कुछ बाहर अगर उनके पास में कुछ नहीं भी अवेलेबल हो तो आप वहाँ पे मंगा सकते हो, वो आपको तुरंत ही अवेलेबल करा के देंगे। एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया है, पिन किया हुआ है, आप यहाँ पे जाकर विजिट हो। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें देता है ढेर सारा मोटिवेशन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही हमारे नए वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।